हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल टुडे आवर टॉपिक इज द वॉइस ऑफ द रेन दिस इज अ पोएम कंपोज बाय वॉल्ट विटमैन एन अमेरिकन साथियों द वॉइस ऑफ द रेन ये एक पोएम है जिसके लिए एक अमेरिकन पोइट जिनका नाम वॉल्ट विटमैन था इन्होंने इसे कंपोज किया है और ये पोएम क्लास इलेवेंथ इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक से ली गई है और यहाँ पर हम आपको ये पोएम इसका हिंदी अनुवाद सहित पढ़ाने जा रहे हैं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको इस चैनल से जुड़ी हुई सारी जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे द वॉइस ऑफ द रेन वॉल्ट विटमैन साथ ही ये एक छोटी सी कविता है जिसके लिए हम यहाँ पर कली लाइन से और अंतिम अंतर पढ़ेंगे और इसका हिंदी मीनिंग भी आपको साथ साथ हम बताते जाएंगे एंड हु आर दाउ सैड आई टू सॉफ्ट फॉलिंग शावर यहाँ आई जो है वो हमारे पोइट वॉल्ट विटमन के लिए प्रयोग किया गया है ये स्वयं क्वेश्चन कर रहे हैं रेन से मतलब बरसात से ये क्वेश्चन कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं एंड हु आर दाउ सेड आई टू सॉफ्ट फॉलिंग शावर पिचेंस टू टेल गेव मी एन आंसर एज सेयर ट्रांसलेटेड पोइट एक क्वेश्चन करते हैं रेन से और वो कहते हैं एंड हु आर डाउ? अरे और तुम कौन हो सेड आई मैंने कहा टू दॉफ्ट फॉलिंग शावर गिरती हुई बरसात से बरसात की बूंदों से मैंने पूछा कि अरे तुम कौन हो विच स्टेंस टू टेल गिव मी एन आंसर और उस बरसात ने फिर मुझे एक विचित्र उत्तर दिया एक आंसर दिया एज हेअर ट्रांसलेटेड और उस आंसर को मैं इस प्रकार से बता रहा हूं उसका ट्रांसलेशन करके अब बरसात पॉइंट को आंसर देती है और बरसात पॉइंट से कहती है क्या कहती है कि आई एम द दॉइट ऑफ अर्थ सेट द वॉइस ऑफ द रेन इटर्नल आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटम सी अब टू हैवन वेंस Vaguely formed, altogether changed, and yet the same. बरसात पोइट को आंसर देते हुए कहती है कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ मैं पृथ्वी की पोएम हूँ मैं पृथ्वी की मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ सेट द वॉइस ऑफ द रेन उस बरसात की आवाज ने पोइट को आंसर दिया कि मैं इस पृथ्वी की कविता हूं मैं इस धरती की कविता हूं इटनल आई राइज इंपालपेबल आउट ऑफ द लैंड एंडमलेस सी मैं आगे बरसात कहती है पोस्ट से कि मैं इटनल आई राइज इंपालपेबल मैं बिना छुए हुए इस पृथ्वी के लिए और इस बॉटमलेस सी और इस अथा सागर को मैं बिना छुए हुए ऊपर उठती हूँ अब बर्ड टू हेवन और मैं आकाश की ओर ऊपर उठती हूँ वेंस वेगली फॉर्म्ड जहाँ पर मेरा रूप बदल जाता है धुंधला होकर मेरा रूप वेगली फॉर्म्ड मेरा धुंधला होकर रूप बदल जाता है आसमान में उठने के बाद में ऑल टुगेदर चेंज मैं पूरे तरीके से बदल जाती हूँ एंड एट द सेम फिर भी मैं बही हूँ मैं बरसात हूँ मैं आसमान में पहुँचने के बाद बेशक बदल जाऊँ लेकिन फिर भी मैं बही हूँ मैं बरसात हूँ और मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ आगे बरसात कहती है आई डिसेंड टू लेव द डॉट्स एटोमीज दस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब एंड ऑल दैट इन दम विदाउट मी वर सीस ओनली लेटेंट अनबोर्न एंड फॉर एवर बाई टी ए नाइट आई गीव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट आगे बरसात पोर्ट से कहती है कि आई डिस द डॉट्स बरसाता आके कहती है कि मैं आकाश से नीचे इस पृथ्वी पर उतरती हूँ या बरसती हूँ टू लेब स्नान कराने के लिए नहलाने के लिए द डॉट्स उस सूखे उस बंजर स्थान को सूखे स्थान को मैं नहलाने के लिए आकाश से पृथ्वी पर उतरती हूँ एटमीज उन छोटे छोटे कणों को नहलाने के लिए मैं इस पृथ्वी पर उतरती हूँ मैं बरसती हूँ डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब इस ग्लोब की इस पृथ्वी की डस्ट लेयर्स धूल की परतों को नहलाने के लिए मैं यहाँ उतरती हूँ एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सी ओनली और इस पृथ्वी पर जो भी मेरे बिना केवल विदाउट मी मेरे बिना केवल जो सीड्स थे बीज थे मतलब मेरे आने से पहले पृथ्वी पर जो बीज थे बरसात कहती है कि मेरे आने से मेरे पृथ्वी पर आने से पहले या मेरे बरसने से पहले इस पृथ्वी पर जो केवल बीज थे और जो कि कहीं ना कहीं इस पृथ्वी में लेटेंट छिपे हुए थे अनबोर्न जो अभी पैदा नहीं हुए थे जो अभी अंकुरित नहीं हुए थे उन बीजों पर मैं बरसती हूँ और फिर वो बीज अंकुरित होते हैं उन बीजों से पौधा बनता है क्योंकि जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि बिना बरसात आए जो बीज होता है किसी का भी चीज़ का बीज हो वो जल्दी अंकुरित नहीं हो पाता बरसात ही उसे अंकुरित करती है आगे एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट और निरंतर लगातार और रात आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन मैं गिव बैक लाइफ मैं पुनः जीवन प्रदान करती हूँ टू माई ओन ओरिजिन मैं अपनी स्वयं की उत्पत्ति के लिए अपने स्वयं के स्रोतों के लिए पुनः जीवन प्रदान करती हूँ एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट और अपने स्वयं के स्रोत को मैं अपनी स्वयं की उत्पत्ति के लिए मैं प्योर पवित्र बनाती हूँ एंड इट और इसे मैं सुंदर बनाती हूँ इसे मैं पवित्र बनाती हूँ सुंदर बनाती हूँ या इसे मैं स्वच्छ और सुंदर बनाती हूँ अब लास्ट इसकी जो टू लाइंस बची हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं ये देखिए लास्ट की टू लाइन ब्रेकेट के अंदर दी गई हैं आगे कभी कहते हैं for सॉन्ग issuing फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वन ड्रिंग रेग्ड और अनरग्ड जली विद लव आगे पॉइंट करते हैं फॉर सॉन्ग क्योंकि जो मेरा ये गीत है अभी तो बरसात आंसर दे रही है पॉइंट खुद ये कह रहे हैं कि फॉर सॉन्ग क्योंकि मेरा ये जो गीत है इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस अपने काम को पूरा करने के बाद में अपने बर्थ प्लेस से उठ के अपना काम को पूरा करने के बाद में मेरा ये गीत आफ्टर फुलफिलमेंट उस काम को पूरा करने के बाद जहाँ से गीत मेरा उत्पन्न हुआ था वहाँ से अपने उस काम को फुलफिलमेंट करने के बाद में पूरा करने के बाद में वरिंग रैकेंड और अनरकेंड यहाँ और वहाँ भटक कर घूम फिर कर मेरा ये गीत डॉली विद लव रिटर्न प्रेम पूर्वक प्रेम सहित ये लौट आता है ठीक उसी स्थान पर लौट आता है जहाँ से मेरा ये गीत प्रारंभ हुआ था और इसी के साथ में ये पोएम यहीं फिनिश हो जाती है ये एक बहुत छोटी सी पोएम थी वॉल्ट विटमैन की जो कि एक अमेरिका के बहुत जाने माने पोइट रहे हैं और ये अमेरिका के एक देशभक्त कवि कहे जाते हैं और ये एक बहुत अच्छे टीचर भी थे इनके स्टूडेंट्स का सम्मान करते थे और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए अपने टीचर का सम्मान भी करते रहना चाहिए क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए केवल तीन ही लोग ऐसे होते हैं जो सदैव उसकी भलाई चाहते हैं उसमें उसके माँ बाप और उसके टीचर ये तीन ही प्राणी ऐसे होते हैं जो सदैव यही चाहते हैं कि उसका स्टूडेंट उन्नति करता रहे तो यदि आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर दें आपको इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी इसी के साथ साथ आपने इस पूरा वीडियो देखा है इस को आपने अब हिंदी इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशन में आपने इसको समझ लिया होगा इसी के साथ अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ अब तक के लिए